हेलो दोस्तों, रीडर्स बुक सब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट बुक के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसे रोनडा बर्न ने लिखा है। संबंधों का रहस्य। मैरी डायमंड कहती हैं कि रहस्य का मतलब यह है कि हम खुद अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं, और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वह हर चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए हमारी इच्छाएँ, भावनाएँ, विचार और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती हैं। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं। खुद पर काम करें। लिसा निकोलस कहते हैं कि संबंधों के बारे में सबसे पहले तो यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि संबंध किनके बीच बन रहा है, और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। मैं 44 साल से अपना अध्ययन कर रहा हूँ। कई बार तो मेरा मन खुद को चूमने को करता है। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें, इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। मर्सी सीमा कहती है कि संबंधों में हम एक दूसरे के बारे में शिकायत करने के आदि होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारी बड़े ही आलसी हैं। मेरा पति मुझे बहुत तंग करता है। मेरे बच्चे हमेशा शरारत करते हैं। यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है, लेकिन सचमुच सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों के नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे, तब तक हमें वे चीज़ें और भी ज़्यादा मिलती रहेंगी। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं, और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। लिसा निकोलस कहती हैं कि अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं, और कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है, और वह व्यक्ति हैं आप खुद। आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके जीवन साथी का आपकी खुशी के लिए निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हों। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और चाहत गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी भी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज़्यादा मिलेंगी। सेहत का रहस्य। डॉक्टर जॉन डेमार्टनी कहते हैं कि उपचार के क्षेत्र में हम प्लासिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लासिबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। जब आप मरीज को प्लासिबो देते समय कहते हैं कि यह बेहतरीन दवा है, और प्लासिबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ता ने पता लगाया है कि मनुष्य का दिमाग उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्लासिबो इफेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी अपने अंदर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हंसी एक सर्वश्रेष्ठ इलाज है। कैथी गुडमैन एक व्यक्ति की कहानी कहती है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मुझे अपने दिल में पूरी आस्था और सच्चा विश्वास था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैं कहती थी मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। लगातार मैं कहती थी मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। मैंने अपने दिल में यकीन कर लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने खुद को इस रूप में देखा जैसे कैंसर मेरे शरीर में कभी था ही नहीं। मैंने अपना इलाज करने के लिए एक और साधन का इस्तेमाल किया। मैं बहुत मज़ेदार फिल्में देखने लगी,
मैं बस हंसती थी और दिल खोल कर हंसती थी। तनाव लेने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। बीमारी का पता चलने और इसके ठीक होने के बीच लगभग 3 महीने का फासला रहा और यह उपचार बिना किसी रेडिएशन या कीमोथेरेपी के भी हो गया। पूर्णता के विचार सोचें। बीमारी उस शरीर में कभी नहीं रह सकती जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हों। जान ले कि सिर्फ पूर्णता ही है, सच है। जब आप पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका आवाहन करके उसे अपनी ओर बुलाते हैं। अपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों के कारण है, जिनमें रोग, गरीबी और दुख शामिल है। नकारात्मक विचार सोचते समय हम खुद को अपनी सही विरासत से अलग कर लेते हैं। इसके बजाय यह घोषणा करें कि और विश्वास रखें, मैं सिर्फ आदर्श विचार सोचता हूँ, मैं सिर्फ आदर्श चीज़ें देखता हूँ, मैं एक आदर्श हूँ। जहाँ तक संभव हो हमें याद रखना चाहिए कि हर अप्रिय विचार एक बुरी चीज़ की तरह होता है, जिसे हम अपने शरीर में रखते हैं। इसे प्रेंटिस मेलफोर्ड ने लिखा था। कोई चीज़ लाइलाज नहीं होती है। डॉक्टर जॉन डेमार्टनी कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। मारिस गुडमैन, जो कि एक ऑथर एंड इंटरनेशनल स्पीकर हैं, कहते हैं कि मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी जिंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरा हवाई जहाज टकरा गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खाफी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था। मैं सांस भी नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं जिंदगी भर अपंग ही रहूंगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊंगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी आवाज़ मुझसे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि यह ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से भटकाए। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने यह काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। संसार का रहस्य। बॉब डायल कहते हैं कि आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि जब आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, किसी चीज़ को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजें। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूँगी। हाँ, अगर आप शांति का रैली आयोजित करें तो मुझे ज़रूर बुलाएं। वे जानती थी और रहस्य को समझती थी। आप लोग खुद ही देख लें उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम,
प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान केंद्रित व ऊर्जा लगाएं। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। इसे होरोशियो बोनर ने लिखा था। ब्रह्मांड का भंडार अनंत है, जेम्स आर्थर ने। कहते हैं कि इस धरती पर रहने वाले हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में प्रचुरता होनी चाहिए। इस नियम का सार यह है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करना चाहिए, प्रचुरता में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने दिमाग में दाखिल होने की इजाज़त ना दे। इसे रॉबर्ट कॉलियर ने लिखा था। डॉक्टर जॉन डेमार्टनी कहते हैं कि हालांकि हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी भविष्य दृष्टि के द्वार खोलकर अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर जोविटार कहते हैं कि देखिए, जब लोग दिल से जीने लगते हैं और अपनी मनचाही चीज़ का पीछा करते हैं तो वे समान चीज़ों का पीछा नहीं करते हैं। यही तो अद्भुत बात है। हम BMW कार नहीं चाहते हैं, हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते हैं, हम सब एक ही से अनुभव नहीं चाहते हैं, हम सब एक जैसे कपड़े नहीं चाहते हैं और हम सब एक जैसे बाइक नहीं चाहते हैं। डॉक्टर डेनिस वेटली कहते हैं कि अतीत में ज़्यादातर लीडर्स रहस्य के उन महान हिस्से से चूक गए जो दूसरों का सशक्तिकरण और सहभागिता है। जिंदा रहने के लिए यह इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने की शक्ति पहली बार हमारी उंगलियों में है। इस ज्ञान से आप जागरूक बन रहे हैं दुनिया और अपनी सच्चाई के बारे में, दुनिया के रहस्य के बारे में। मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान रॉबर्ट कॉलियर, प्रेंटिस मलफोर्ड, चार्ल्स हैनेल और माइकल बर्नर्ड बेकविक के शिक्षण से मिला है। इस समझ के साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप उस स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अपने अस्तित्व और विचारों की शक्ति के माध्यम से आप इस दुनिया व सारी मानव जाति का भला करेंगे और अपने सारे सपने साकार कर लेंगे। आपके लिए रहस्य। डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं कि हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। आइए मैं यह बात समझाने में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारी आकाशगंगा है, फिर हमारा ग्रह है और फिर इंसान है। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु हैं और फिर परमाणु हैं और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत अस्त्रों के बारे में सोचना है, लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है। 100 साल पहले जब इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थी, तब भी चार्ल्स हैनेल जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। चार्ल्स हैनेल कहते हैं कि ब्रह्मांडीय दिमाग सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन यह उपादान है और यह उपादान वह आकर्षण शक्ति है जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को करीब लाती है, जिससे वे परमाणु बनाते हैं और फिर इसी नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और भौतिक आकार लेते हैं। और इस तरह हम पाते हैं कि यह नियम हर प्रकटीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति है। सिर्फ परमाणुओं की नहीं बल्कि संसार के ब्रह्मांड की हर चीज की, जिसकी मूर्त कल्पना की जा सकती है। एक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क। माइकल बर्नर्ड बेकविक कहते हैं कि बाइबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है और हम सब समान हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा ब्रह्मांड खुद के बारे में जागरूक हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हम खुलती संभावना के असीमित क्षेत्र हैं। यह सब सच है। आप जो हैं उसका 99% अदृश्य हैं और उसे छुआ नहीं जा सकता। इसे आर बकमिंस्टर फुलर ने लिखा है। आप ईश्वर का शारीरिक रूप हैं। आप मांस नहीं, आत्मा हैं। आप शाश्वत जीवन हैं जो खुद को आपके रूप में प्रकट कर रहा है। आप ब्रह्मांडीय जीव हैं। आप समूचा शक्ति हैं। आप समूचा ज्ञान हैं। आप समूची प्रज्ञा हैं। आप पूर्णता हैं। आप भव्य हैं। आप रचयिता हैं और इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं। जेम्स आर्थर कहते हैं कि हर धार्मिक परंपरा में बताया गया है कि आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में रचा गया है।
इसका मतलब यह है कि आप में ईश्वर की क्षमता और शक्ति है, आप में अपना संसार रचने की पूरी शक्ति है। हो सकता है आपने ऐसी चीज़ों की रचना की हो जो अद्भुत हो और आपके काबिल हो, या फिर हो सकता है आपने ऐसा नहीं किया हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल पर विचार करें, आपको अपने जीवन में जो परिणाम मिल रहे हैं क्या आप उन्हें सचमुच चाहते हैं और क्या वे सचमुच आपके काबिल हैं। अगर वे आपके काबिल नहीं हैं तो फिर क्या यही उन्हें बदलने का सही समय नहीं है? क्यों? क्योंकि आप में ऐसा करने की शक्ति है, आप अपना अतीत नहीं हैं। लीसा निकोलस कहती हैं कि आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं, आप लेखक हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही है जिसे आप चुनते हैं। यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें जैसे यह सच हो चुका है, इसे चार्ल्स हानिल ने लिखा है। जब हेनरी फोर्ड दुनिया में अपनी कार के सपने को साकार कर रहे थे तो उनके आसपास के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें पागल समझा, क्योंकि उनकी निगाह में वे इतने अजीब सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी फोर्ड मजाक उड़ाने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार थे, क्योंकि वे रहस्य जानते थे और वे रहस्य ब्रह्मांड का नियम जानते थे। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही मामलों में आप ही सही हैं। जीवन का रहस्य। नील डोनाल्ड वेल्स कहते हैं कि आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो। नील डोनाल्ड वेल्स आकर्षक युवक है जो 21वीं सदी के पहले के हिस्से में रहता था। मुझे सचमुच समझना है कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे उस ब्लैक बोर्ड को खोजना है और पता लगाना है कि ईश्वर के मन में मेरे लिए दरअसल क्या है, लेकिन ब्लैक बोर्ड मौजूद ही नहीं है। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं, आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं, आपका उद्देश्य वही है। जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ों से भरने का अवसर होता है। अगर आपने इसमें पहले कचरा भर दिया हो तो उसे साफ कर दें। अतीत की हर उस चीज़ को मिटा दें जो आपका भला नहीं करती हैं, और कृतज्ञ बनें कि वह आपको इस जगह तक और एक नई शुरुआत तक ले आए। आपके पास एक साफ स्लेट है और आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। यहीं पर इसी समय अपनी खुशी खोजें और उसे जिएं। यह धरती अपनी धुरी पर आपके लिए घूमती है, समुद्र में ज्वार भाटा आपके लिए आता है, पंछी आपके लिए गाते हैं, सूर्य आपके लिए उगता है और अस्त होता है, सितारे आपके लिए जगमगाते हैं। हर सुंदर चीज को जो आप देखते हैं, हर अद्भुत चीज जिसका आप अनुभव करते हैं, यहाँ पर आपके लिए है। चारों तरफ नजर डालें, आपके बिना किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे आपने अपने बारे में पहले जो भी सोचा हो, अब आप हकीकत जान चुके हैं कि आप सचमुच कौन हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप साम्राज्य के वारिस हैं, आप जीवन की पूर्णता हैं और अब आप रहस्य जान चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।